परमेश्वर के प्यारे जीजो, अज मैं परमेश्वर का एक वचन पढ़ता पिया सीगा। उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे नाल गलबात की और अज के मसीह लोगों के बारे कुछ खुलासे परमेश्वर ने किए जिहड़े मैं आप सब नाल शेयर करना चाहवागा। जदों असी प्रकाश की पोथी 3 अध्याय उहदी 15 ते 16 आयत पढ़ते हाँ, मैं तेरे कामां नूं जाणदा हाँ भाई, तू ना तो ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहुंदा सां जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा। इहदा मतलब परमेश्वर यह कहना चाहुंदा है कि जिसने मेरे ते विश्वास किया, कोई भी होवे, भावें अज के समय के भावें पहलों के समय के कोई भी है, हर एक परमेश्वर का कलाम यह कहता है। परमेश्वर चाहता है कि असी ज़्यादातर परमेश्वर के होइए, प्रभु के होइए, तो या फिर असी दूसरी पासे होइए। पर अज के मसीह लोगों का बहुत सारे का यह हाल है कि वह मसीह के भी चलना चाहते हैं, तो नाले पुराने कामों भी छड़ना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर कहता या तू उधर का हो जा तो या फिर तू इधर का हो जा। परमेश्वर कहता है या तो तत्ता हो जा या फिर ठंडा हो जा। कुछ लोग ना तो प्रभु के रफ्तार के नाल चलते हैं तो ना ही वह पुरानिया चीज़ों उस रस्ते तो हटते हैं। इस करके परमेश्वर के वचन च लिखा, तू सील गर्म जो है ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तेनों अपने मूँह के उगल सटाँगा। मेरे प्यारे अजीजो, जो असी पुरानिया चीज़ों पुरानिया गलों अपने जीवन में नहीं कढ़ते, असी दो बेड़िया के चढ़े फिरते रहने। इस करके परमेश्वर यहोजे लोगों को पसंद नहीं करता। पहली गल, इसलिए वह कहता मैं तेनों अपने मूँह चो उगल सुटाँगा। असी अपने मूँह चो कोई चीज़ को कदों बाहर कढ़ के सुटते हैं, जो वह साडे मूँह खराब करती है या फिर सानू चंगी नहीं लगती या फिर कौड़ी होंदी है, असी उसनू अपने मूँह दे विचों बाहर कढ़ के सुट देने। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहिंदा असी खुदा दे कलाम तो डरीए। अज बहुत सारे लोग इदां दे पाए जाते हैं जिहड़े मसीह दे विच भी चलना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु बारे जानते हैं कि यीशु मसीह जिहड़ा है वह बहुत जल्दी आने वाला है, उहदे द्वारा पापां दी माफ़ी है। ये सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वह परमेश्वर विच भी चलना चाहते हैं तो पुरानियां चीज़ों भी छड़ना नहीं चाहते। सो अज बहुत सारे लोगों का यही हाल है, पर सानू चाहिए है कि असी प्रभु दे वल हो के उस आने वाले सच्चे प्रभु परमेश्वर की उड़ीक विच रहिए जिहड़ा बहुत जल्दी आने वाला है। कलाम दे विच लिखा है, सो जिहड़ा आने वाला है वह देर नाल आएगा, वह बहुत जल्दी आएगा सारे जगत का न्याय करने वास्ते। और मसीह लोग जिहड़े ने कलीसिया जिहड़ी है वह परमेश्वर की दुल्हन वह स्वर्ग उठा ली जाएगी। सो सानू लोड़ है कि असी उहदी उड़ीक विच रहिए, असी उन्हां पुरानियां गल्लां दे विच ना जाइए। पौलुस कहिंदा है कि पुरानियां गल्लां बीत गईयां, सब नवीं हो गईयां, तो हुण असी नवें हो चुके हाँ, तो सानू पुरानियां गल्लां दे विच जाके उधर फिर नहीं फसना चाहिए। सो मेरे प्यारे जीजो, अपने आप नू परमेश्वर दे कलाम दे विच मजबूत करो तो वचन के अनुसार चलना शुरू करो। दो बेड़िया में जावे तो असी डुब जावे, ना असी उधर रहना है तो ना उधर रहना है। सो इसलिए परमेश्वर इस वचन से तुम्हें आशीष दे। सो मैं उम्मीद कराँगा कि तुम अपने गलतियाँ अपने गुनाहों तो मन फिराओगे तो तौबा करोगे। परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। जय मसीह की।